हेलो स्टूडेंट्स, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल डिवीजन और आई कैन से सेल साइकिल। तो सेल साइकिल क्या होती है, जिसके दौरान एक सेल जो है वो डिवाइड करता है या डिवाइड करने की प्रिपरेशन करता है। अर्लियर हम बोलते थे कि सेल जो है या फिर सेल साइकिल को हमने दो स्टेजेस में डिवाइड किया। वन इज जिसके अंदर डिवीजन एक्चुअल में होती है और दूसरा जो है इंटरफेस होता है। तो अर्लियर हमें ऐसा लगता था कि इंटरफेस जो है उसके वक्त जो सेल है वो रेस्ट पे रहता है, बट ऐसा नहीं है। सेल एक्चुअल में परफॉर्म करता है कुछ ऐसे फंक्शंस या करता है कुछ ऐसी प्रिपरेशंस दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर सेल डिवीजन। फिर हमें पता चलता है कि इंटरफेस जो है वो तो बहुत ही ज्यादा एक्टिव फेज है। तो अगर सेल साइकिल को हम डिवाइड करें तो सेल साइकिल जो है वो दो फेज में डिवाइड होगी, डिवीजन फेज एंड इंटरफेज। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है दिस वन इज द डिवीजन फेज एंड बाकी का कंप्लीट जो है इंटरफेज, जिसके अंदर वो सारी प्रिपरेशंस होंगी जो सेल साइकिल को परफॉर्म करने के लिए या डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। इंटरफेस को हमने फर्दर तीन टाइप्स में, तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ठीक है, G1 फेज में हम देखेंगे कि सेल जो है वो अपना साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कर रहा है या प्रिपेयर कर रहा है। दूसरा, S फेज के अंदर DNA जो है वो डबल हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ DNA अकर होता है। थर्ड फेज में कुछ प्रोटीन्स बनते हैं या सेल जो है साइज में ग्रो करता जाता है। और उसके बाद एक्चुअल में M फेज आता है जिसमें एक्चुअल डिवीजन होती है। अगर अब हम बात करें सेल डिवीजन की, तो सेल डिवीजन को हमने दो टर्म्स में स्प्लिट किया, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। एंड कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कैरियो मींस न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। और साइटोकाइनेसिस का मतलब होगा जब सेल डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर फर्दर दो कैटेगरीज आती है, वन इज माइटोसिस एंड मियोसिस। अब माइटोसिस जो है वो सोमेटिक सेल्स में होगी, मियोसिस जो है वो जर्मिनल सेल में होगी। जब भी हम बात करेंगे गैमेट्स की या माइटोसिस के केस में, जब भी हम नॉर्मल सोमेटिक सेल हैं जो जिनका कोई लिंक नहीं होता हमारे जर्मिनल सेल से या कोई कनेक्शन नहीं होता हमारा रिप्रोडक्शन से या गैमेट फॉर्मेशन से, वो सेल्स जो हैं वो डिवाइड करेंगे हमारे माइटोसिस से। अब हमें बेसिकली क्या करना है, अगर एक इंटरफेस न्यूक्लियस की जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा हम बात करें, तो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थिन थ्रेड्स। और वो थ्रेड्स जो हैं वो हमें डिवाइड करते हैं इनटू टू पार्ट्स, दो पोर्शंस में हमें डिवाइड करने ताकि हम गैमेट्स बना सकें। ठीक है, अब गैमेट बनने के लिए सबसे पहले हम उस क्रोमेटिन को, वो जो इलेबोरेटेड नेटवर्क है, उसको कंडेंस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स और फिर हम डिवीजन को परफॉर्म करेंगे। तो उसी तरीके से एक डिवीजन है जिसका नाम होगा माइटोसिस। तो माइटोसिस जो है वो सोमेटिक सेल्स में होने वाली डिवीजन का एक तरीका है, जिसको स्टडी करने के लिए हमने फोर फेजेस में उसको डिवाइड किया है। एंड दोज फोर फेजेस आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। और इसी तरीके से अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस वो डिवीजन है जो जर्मिनल सेल के अंदर होगी और उसको हमने फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दैट इज मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। मियोसिस वन के वही चार पार्ट्स होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज वन, और मियोसिस टू के भी चार पार्ट्स होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज टू। ठीक है, अब फर्क इतना है कि मियोसिस के केस में जो डीएनए डिवीजन है वो दो बार होगा, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू, बट इन केस ऑफ माइटोसिस इट इज ओनली अकरिंग वंस इन द साइकिल, एक बार ही डीएनए जो है वो डिवाइड करेगा। अब आप कहेंगे कि मियोसिस एंड माइटोसिस में डिफरेंस क्या है, तो पहला डिफरेंस तो मैंने आपको बताया कि जो मियोसिस है वो जर्मिनल सेल्स में होगी, माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होगी। तो मियोसिस जो है, मियोसिस होगी हमारी रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि मियोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हमारा हाफ हो जाएगा। लेकिन माइटोसिस में, जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्रोमोसोम नंबर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। तभी तो हमने कहा कि जो सोमेटिक सेल्स हैं उनके अंदर माइटोसिस होगी और जर्मिनल सेल्स में मियोसिस होगी। बाकी हमारी जो फर्दर वीडियोस होंगी उसके अंदर आपको पता चलेगा माइटोसिस एंड मियोसिस का डिटेल्ड, एक साइकिल आपको कंप्लीट साइकिल समझाएंगे।
तो उसके लिए आपको स्टे ट्यून रहना पड़ेगा विद आवर चैनल। एंड अब जैसा कि मैंने आपको बताया कैरियोकाइनेसिस के बारे में, अब कैरियोकाइनेसिस होने के बाद न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, व्हाट अबाउट द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होगा? तो अब बारी आती है कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस की। तो साइटोकाइनेसिस जो है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में अलग अलग तरीके से होता है। एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में होगा वो बाय सेल फरो मेथड, एंड प्लांट सेल में होगा सेल प्लेट मेथड। सेल फरो होता है, बहुत ही सिंपल तरीका है, बाहर से क्या होगा डिपनिंग होती जाएंगी, जितनी डीपन होता जाएगा बाहर की जो एक्सटर्नल हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसी तरीके से सेल जो है, सेल का एक एरिया जो है वो नैरो होता जाएगा और वो स्प्लिट कर जाएगा दो पार्ट्स में, जिन्हें हम बोलेंगे टू डॉटर सेल्स। बट इन केस ऑफ सेल प्लेट्स डिफरेंट ऑर्गेनलीज जो है वो एक्यूमुलेट होंगी इन द फॉर्म ऑफ प्लेट और वो कुछ सिक्रीशंस करेंगे जिनकी वजह से सेल जो है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा और डॉटेड सेल्स बन जाएंगी। तो ये था हमारा साइटोकाइनेसिस का तरीका। तो फिर से अगर एक बार पूरी सेल साइकिल को समराइज करें तो सेल साइकिल जो है कंप्लीट एक फेज होगा जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वन इज डिवीजन, अदर इज इंटरफेज। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोल सकते हैं। अब होगा क्या, इंटरफेज के अंदर चलेंगी हमारी प्रिपरेशन और डिवीजन फेज वो एक्चुअल फेज होगा जब सेल डिवाइड करेगा। अब डिवीजन भी दो तरीके से होगी, कौन सी, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में भी डिवीजन आएंगी मियोसिस एंड माइटोसिस की फॉर्म में। अगर माइटोसिस है तो मतलब सोमेटिक सेल्स हैं, अगर मियोसिस है तो मतलब जर्मिनल सेल्स हैं। अब माइटोसिस को भी स्टडी करने के लिए हमने फोर फेजेस बनाए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, और यही फेजेस हमारे मियोसिस में रहेंगे, बस डिफरेंस आएगा मियोसिस फर्स्ट एंड से फर्स्ट मियोसिस के प्रोफेज में एंड मेटाफेज में, और वो डिफरेंस क्या होगा ये आपको पता चलेगा हमारी मियोसिस वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अब माइटोसिस एंड मियोसिस में हमने इन सभी फेजेस को स्टडी किया और डिवीजन फेज के बाद आएगा हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस अलग अलग तरीके से होगा एनिमल्स एंड प्लांट्स में। एनिमल्स में जो मेथड होगा वो सेल फरो होगा, प्लांट्स के अंदर सेल प्लेट होगा, ठीक है। और कंप्लीट सेल साइकिल हम बोलेंगे सेल डिवीजन प्लस इंटरफेज को। एक सेल साइकिल क्या होती है, जिसके अंदर सेल प्रिपेयर भी कर रहा है डिवाइड करने के लिए और डिवाइड भी कर रहा है, और इन दोनों फंक्शंस को एक्यूमुलेट करके हम बोलेंगे ये कंप्लीट सेल साइकिल है। इसके अलावा एक फेज और होता है जिसे हम बोलते हैं क्वेशेंट फेज, एंड दैट इज जीनोट फेज, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। अब आप कहेंगे कि मैम ये फेज कौन सा फेज होता है, तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट इसलिए रखा है क्योंकि इस फेज को हम मिक्स नहीं कर सकते औरों के साथ। जो जीनोट फेज होता है वो एक ऐसा क्वेशन फेज होता है जिसके अंदर सेल टेम्पररीली जो है अरेस्ट हो जाता है, मतलब वो सेल डिवाइड नहीं करता, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो सेल साइकिल से ही एग्जिट कर जाएगा, मतलब एक हो सकता है कुछ टाइम बाद अगर जरूरत हो तो वो वापस से डिवाइड करने लगे, लेकिन कुछ टाइम तक, या फिर हो सकता है मे बी परमानेंटली वो डिवाइड ना करे, वो एक रेस्टिंग फेज में चला जाता है जिसे हम बोलते हैं जीनोट फेज, जिसे हम बोलते हैं क्वेशेंट फेज, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में कुछ ऐसे पेरेन्काइमेटस सेल होते हैं जो एक टाइम पे डिवीजन को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो दोबारा से डिवीजन करने लग जाते हैं, दोबारा से एक तरीके से मेरिस्मेटिक एक्टिविटी शो करने लग जाते हैं। उस केस में हम ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वो कुछ टाइम तक या कुछ पर्टिकुलर फेज तक वो जीनोट फेज के अंदर थे, बट अगर रिक्वायरमेंट हुई तो वापस से वो सेल साइकिल के अंदर आ गए। तो ये था हमारा कंप्लीट सेल साइकिल का एक बेसिक लेआउट, क्योंकि सेल डिवीजन या सेल साइकिल पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से इवेंट्स जो हैं सेल साइकिल के अंदर होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल साइकिल। इन द फ्यूचर वीडियोस वी आर गोइंग टू स्टडी सेपरेटली अबाउट माइटोसिस एंड मियोसिस, सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू।